वान टोंगरी प्रभाग क्रमांक 8 में शिव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठान और बाल उद्यान का उद्घाटन समारोह किया गया। इस दौरान प्रभाग 8 की जनता ने हर्षोल्लास से भजन के साथ रैली निकाली। तत्पश्चात शिव प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठान किया गया। वहीं जनता में भाव भक्ति का माहौल दिखाई दिया। समारोह में प्रभाग 8 के महिला बुजुर्ग बच्चियों पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गाँव वासियों ने अपने घर के सामने रंगोली निकालकर रैली का स्वागत किया। वहीं आज शाम को महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है। इस समारोह में नगर सेवक बालू मोरे, प्रदीप कोल्हे, नीलेश कुंभारे, श्रीकांत उके, सुनील तांबे, प्रशांत फलके, दिलीप कोपरे, बाबुल चौरसिया, अशोक हिरणकर, आयुष बघेल, गौरव चौधरी, दीपक यवले, जैन देशमुख, रितेश वैशाखे, आकाश डोंगरे, नीलेश कोल्हा आदि शामिल हुए। बालू मोरे ये प्रभाग का नगर सेवक और वानाडोंगरी नगर परिषद सत्ता पक्ष नेता, आज वानाडोंगरी नगर परिषद अंतर्गत प्रभाग 8 में ये कोल्हेवाड़ी के जगह पे हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता है प्रदीप रायभंजी कोल्हे और ये नीलेश कुंभारे वगैरह, इनके सब सहयोगी, इन्होंने ये जगह रेजिडेंट स्कूल के अंडर में जगह थी, उन्होंने जगह जिस जमीन हड़पी थी, हालांकि ये जमीन ओपन प्लेस की है, लेकिन यहाँ के पूरे लोगों ने एक मतों से ये जमीन ये अपने कब्जे में लिया, जो उनकी हक की जमीन थी। और यहाँ पे अभी ये सब आप देख रहे हैं, और आज यहाँ पे एक शिव मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। मैं नीलेश कुमार प्रभाग 8 का रहवासी होने के नाते, हमारे कोल्हेवाड़ी में प्रभाग वाराडोंगरी प्रभाग 8 में अभी तक कोई ऐसा मंदिर नहीं बना था, और कोल्हेवाड़ी में ये जो स्पेस दिख रही है, कुछ दिन पहले किसी लोगों ने ये हस्तांतरित किया था। हम समाज वालों ने, कोल्हेवाड़ी प्रभाग 8 के कार्यकर्ताओं ने ये जमीन उनसे छुड़वा के अपना यहाँ मंदिर की स्थापना की है। डाकोरे कोल्हेवाड़ी मध्ये राहतो। आमच्या कोल्हेवाड़ी मध्ये आतापर्यंत मंदिर नव्हतं, तर आम्ही सर्व गावकऱ्यांनी ठरवलं की वस्तीत लोकांनी आपल्या एरियामध्ये ओपन स्पेस मध्ये मंदिर झालं पाहिजे। तर आम्ही आधी एक गणपतीची मूर्ती स्थापना केली दहा दिवसात, आणि पंडितजीचा मूर्त घेऊन आज आम्ही ठरवलं की एक शिव मूर्त, आमच्या एरियामध्ये शिव मूर्त नाही ते कुठेच, म्हणजे आपण वाराणुंगरी मध्ये बघितलं तर कुठे शिवमूर्ती नव्हती, तर आम्ही ठरवलं की सर्व गावकऱ्यांकडे की एक शिवमूर्ती आपण स्थापन करावी। तर आम्ही आजच्या दिवस आम्हाला महाराजांनी दिला, आणि आजच्या दिवशी आम्ही शिवमंदिर शिवमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करून स्थापना करत आहे। तरी सर्व लोकांनी आम्हाला इथं सहभाग केला, एरियातल्या सर्वांचे मी आभार मानतो, ट्रस्टच्या वतीने सर्वांचे आभार मानतो। आणि शिवमूर्ती स्थापना झाल्यानंतर संध्याकाळी महाप्रसादचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, तरी सर्वांनी भक्तांनी महाप्रसाद लाभ घ्यावा, आणि हीच मंडळाकडून एक अपेक्षा आहे।